ये हमारे मोहम्मदाबाद गोना विधानसभा के बूथ प्रभारियों का और कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है जो आने वाले चुनाव के लिए कैसी ऐतिहासिक जीत दिलाई जाए और मनोरंजन मंत्री को हमेशा के लिए यहाँ से भगा दिया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। क्या लगता है, काफी भीड़ है इस बार, क्या होगा? ये भीड़ से ज्यादा जोश है, ये आप देख रहे हैं मेरे नामांकन के दिन से ही कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, कहीं बस नहीं दिखाई दी हो स्कूल की कि आरटीओ से उठवा कर ले आए बस, किसी दूसरे विधानसभा के लोग भी नहीं पाए जाएंगे यहाँ, सब इसी विधानसभा और आसपास के इलाके गए हैं। ये जोश बता रहा है कि आने वाले कल की हकीकत क्या है। रविंद्र राजभर के जो नामांकन में भीड़ आई थी तो क्या बाहरी थी क्या? वो तो आपके आप ही गवाह थे उसके, आप क्यों नहीं बोल रहे कि हमने देखा पत्रकार के रूप में बाहर से बसों में भरकर आया गया था, आरटीओ ने बसें दिलवाई थी, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया था। इतना नीचे नहीं गिर जाएंगे हम लोग, उस हद तक नीचे गिरने से राजनीति छोड़ देना, अभी उनको कई जन्म लगेंगे जहां हम पहुंचे वहां पाने में। मंत्री पुत्र होना या मंत्री बन जाना आपके संस्कार को नहीं देता है, आप जन नेता बनिए इस बात के बारे में चलता है, इसलिए चरित्र है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा छीन लो। देखिए विपक्षी पार्टियों को छीन लो, 9 लाख है तो 1 ही लाख बताओ, बाकी मऊ की जनता लुटेरों को ऐसे उठाकर फेंकेगी, न राजनीति लायक रहेंगे न समाज में रहने लायक रहेंगे, यही इनका असली चरित्र है। मौका पाते ही लुटेरों की बात करते हैं, तो क्या दोषी लुटेरों को भगाना है, मऊ को बचाना है, लुटेरों को भगाना है, मऊ को बचाना है, मऊ की राजनीति को बचाना है, यहाँ के सम्मान को बचाना है, राजनीति में संस्कार को बचाना है। लड़ाई सिर्फ एमपी की नहीं है, सम्मान और संस्कार की है। देश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं साथियों आपसे कहना चाहूंगा कि आज देश के अंदर जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो नौजवान है 22 साल का नौजवान 26 साल में रिटायर हो जा रहा है, और भारत का जो बूढ़ा प्रधानमंत्री है जिससे अब देश नहीं चल पा रहा है, तो कह रहा है कि हमको एक मौका और दीजिए। साथियों इस देश के अंदर किसी जात का लड़का हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, आज वो बेकारी बेरोजगारी के रास्ते पे जाकर के वो रोजी